गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस पे। तो इसमें कौन सी डिजीजेज हैं? बर्थ, न्यूनेटल में हमारे पास साइनोसिस हार्ट फेलियर हो सकता है, इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड में हमारे पास साइनोसिस हार्ट रेट हार्ट फेलियर, अरिथमिया, मर्मर एंड फेलियर टू थ्राइव होता है। एडोलेसेंट में हमारे पास और भी चीज़ें आ जाती है, जैसे आइसनमेंगर सिंड्रोम, हाइपरथायरॉयडिज्म हाइपर टेंशन एंड कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम प्रीवियस सर्जरी। तो एज जनरल अगर हम सारे कंजेनाइटल डिजीजेज की बात करें हार्ट में, तो पहले हम उसकी फिजियोलॉजी समझते हैं। समझ में आई? पहले क्या होता है कि जो फीटस होता है उसका जो ब्लड है वो लेफ्ट राइट एट्रियम से डायरेक्टली लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है, तो बहुत ही कम ब्लड है वो लंग्स में जाता है। जितना लंग्स की ब्लड डिमांड होती है उतना ही जाती है, बिकॉज इस समय पर लंग्स जो अभी गैस है वो गैस एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा पासिस डायरेक्टली फ्रॉम राइट एट्रियम टू लेफ्ट हार्ट थ्रू दिस फोरामेन ओवल, ठीक है, एंड लंग्स में नहीं जा रहा है। एंड कभी कभार पल्मोनरी आर्टरी से भी डायरेक्टली एओर्टा में चला जाता है वाया डक्टस आर्टेरियोसिस, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं बेबी के हार्ट में और एडल्ट हार्ट में कितना डिफरेंस होता है। वी हैव डक्टस आर्टेरियोसिस जो पल्मोनरी आर्टरी को किससे कनेक्ट करा, एओर्टा से, एंड इट हैज नाउ बिकम क्लोज डक्टस आर्टेरियोसिस लिगामेंटम आर्टेरियोसम। ओपन फोरामेन ओवल है वो क्लोज हो जाएगा, डक्टस वेनोसस भी होता है तो वो भी क्लोज कर जाएगा, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि बहुत सारे डिफेक्ट्स तो ऐसे होंगे जो लाइफ के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो जो बच्चा प्रेजेंट होगा वो मर जाएगा, मतलब जब भी उसकी डिलीवरी होगी, ठीक है। कोआप्टेशन ऑफ एओर्टा में रेडियो फेमोरल डिले मिलता है, हम आगे भी पढ़ेंगे। अब अर्ली डायग्नोसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ये जो डिजीजेज होती हैं ये ईजिली हम मैनेज कर पाते हैं थ्रू सर्जरी, ठीक है। पर अगर हमने इस समय पे मिस कर दिया, चाइल्डहुड में अगर हमने ये सर्जरीज मिस कर दी, तो अब जब वो अडल्ट आएगा तो इसमें इरिवर्सिबल पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा, ठीक है। और अब क्योंकि ये इरिवर्सिबल है, तो अब अगर हम ठीक भी कर देते हैं उसका डिफेक्ट, तब भी ये परसिस्ट करेगा और लाइफ लॉन्ग हाइपरटेंशन की दवा लेता रहेगा। देन वी हैव सेंट्रल साइनोसिस एंड डिजिटल क्लबिंग। सेंट्रल साइनोसिस ऑफ कार्डियक ओरिजिन अकर्स व्हेन डी क्या होता है, डीसैचुरेटेड ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है विदाउट पासिंग थ्रू द लंग्स। अब तो बेबी डिलीवर हो गया है, तो अब ब्लड डायरेक्टली राइट से लेफ्ट में चला जाएगा, क्योंकि अभी भी हमारा जो डक्ट फोरामेन ओवल है वो ओपन है, ठीक है। और इंडिया जो नियोनेट्स होते हैं उसमें मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। ट्रांसपोजिशन में क्या होगा कि आयोटा की जगह लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी खुली, पल्मोनरी आर्टरी खुलेगी और पल्मोनरी आर्टरी की जगह लेफ्ट आयोटा खुलेगा, तो दोनों की पोजिशन एक्सचेंज हो जाएगी, ठीक है। अब नाउ आयोटा विल अराइज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड ये वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट से एसोसिएटेड होता है। जो ओल्डर चिल्ड्रन होते हैं उनमें क्या हो सकता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है कंबाइंड विद सीवियर पल्मोनरी स्टेनोसिस एज वी सी इन टेट्रोलॉजी ऑफ फैलिप, और पल्मोनरी वास्कुलर डिजीज हो सकता है जैसे आइसनमेंगर सिंड्रोम। ये सारी की सारी डिजीज हम आगे फिर से पढ़ेंगे। ये क्या करती हैं, साइनोसिस करा देती हैं इन द फिंगर्स एंड टो क्लबिंग करा देती है। अब इनका क्या होता है कि इनके वजह से ग्रोथ रिटार्डेशन एंड लर्निंग डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि ब्रेन को ज़्यादा अच्छा और ब्लड सप्लाई नहीं मिलता, जैसे सनकपी हो सकती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। अब हम आते हैं आइसनमेंगर सिंड्रोम में, ठीक है। तो क्या होता है, जनरली राइट वेंट्रिकल में कम प्रेशर होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा प्रेशर होता है, तो राइट से लेफ्ट में जाता है ब्लड, ठीक है। पर आइसनमेंगर सिंड्रोम में क्या होगा कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन इतना ज़्यादा सीवियर होगा कि अब लेफ्ट से राइट जाएगा ब्लड, तो ये अपोजिट हो गया, तो राइट में ज़्यादा प्रेशर आ गया ड्यू टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है। साइनोसिस आइसनमेंगर सिंड्रोम में कैसी होती है, फीट एंड टोज में होती है ज़्यादातर, रादर देन द अपर पार्ट ऑफ बॉडी, सो इट इज डिफरेंशियल साइनोसिस, पैरों में ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द अपर लिम। आइसनमेंगर सिंड्रोम इज कॉमन, मोर कॉमन विद लार्ज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स और परसिस्टेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, ठीक है। एट पर्टिकुलर क्या हो सकता है कि आफ्टर लोड है, ठीक है, अगर आफ्टर लोड बहुत ज़्यादा हो गया या फिर चेंज हो गया, तो ये राइट टू लेफ्ट शंटिंग को एग्जैसरबेट करेगा, ठीक है, कि लेफ्ट जो आफ्टर लोड है वो कम हो जाएगा। एंड दिस कैन कैसे कम हो सकते हैं, वाया वेसोडायलेशन, एनेस्थीसिया एंड प्रेगनेंसी, तो उसमें भी राइट टू लेफ्ट शंटिंग हो जाती है जब अब्रप्टली हम ये चीज़ें पेशेंट को देते हैं।
ठीक है, पहले हम आते हैं परसिस्टेंट डक्टस आर्टेरियोसिस पे। तो क्या होता है, हमने ये भी पढ़ा कि फीटल लाइफ में जो है लंग्स बिगिन टू फंक्शन एंड मोस्ट ऑफ द जो ब्लड होता है पल्मोनरी आर्टरी से डक्टस आर्टेरियोसिस के थ्रू आयोटा में आ जाता है। ठीक है, अगर ये परसिस्ट कर जाता है तो क्या हो जाएगा, ए वी शंट हो जाएगा आयोटा से पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, आयोटा में ज़्यादा हाई प्रेशर है, पल्मोनरी आर्टरी में कम हाई प्रेशर है, तो वो पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा थ्रू आयोटा। ठीक है, जब बच्चा बॉर्न नहीं था तब उल्टा हो रहा था, पल्मोनरी आर्टरी से आयोटा में जा रहा था, पर जब बच्चा बॉर्न हो जाएगा तब वो आयोटा से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि पल्मोनरी आर्टरी में चला गया सर्कुलेशन में, तो वहाँ पे क्या हो गया, एज मच एज साइज बढ़ जाएगा डक्ट का। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो 50% ऑफ द वेंट्रिकुलर आउटपुट है वो तो वापस पल्मोनरी आर्टरी में आ जाएगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, और आयोटा में 50% जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि हार्ट बार बार पंप करेगा, वो आयोटा में पंप करेगा, फिर वो पल्मोनरी आर्टरी से वापस और ज़्यादा ब्लड आएगा, तो हर बार क्या होगा, पहले 100% उसने पंप कर दिया, उसके बाद 50% वापस आ गए तो 150 वो पंप करेगा, फिर वापस आ गए तो 200 हो गए तो 200 वो पंप करेगा, तो ऐसे करते करते इट विल इंक्रीज, जो हार्ट का काम है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और लार्ज लेफ्ट टू राइट शंट इन इन्फेंसी में कॉज कंसिडरेबल राइज इन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर बढ़ जाएगा, एंड दिस लीड्स टू पल्मोनरी वैस्कुलर डैमेज। देन वी हैव क्लिनिकल फीचर्स, देर इज़ नो डिसेबिलिटी इन इन्फेंट बट कार्डियक फेलियर मे इश्यू एंड डिस्पनिया इज द फर्स्ट साइन। ठीक है, मशीनरी मर्मर आएगा विद लेस सिस्टोलिक एसेंटुएशन मैक्सिमल इन द लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस बिलो द क्लाविकल। ठीक है, जहाँ पे हमारा पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा मिलेगा तो वहाँ पे मशीनरी मर्मर्स मिलेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, एनलार्जमेंट ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी मे बी डिटेक्टेड रेडियोलॉजिकली, ECG नॉर्मल आएगा। ठीक है, पल्मोनरी वेसल में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर आयोटा से के इक्वल या आयोटा से भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, द शंट थ्रू में रिवर्स कॉजिंग आइसोमैग्नस सिंड्रोम। ठीक है, हो सकता है कि अभी आयोटा से पल्मोनरी आर्टरी में होते हैं, पर अगर पल्मोनरी आर्टरी में आयोटा से भी ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा तो फिर से रिवर्सिंग हो जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी से आयोटा में जाएगा। ठीक है, और फिर मर्मर्स कम होने लग जाएंगे। इकोकार्डियोग्राफी करते हैं और हमें क्या मिलेगा, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, क्योंकि उसके पास बार बार ब्लड बढ़ते आ रहा है। ठीक है, मैनेजमेंट की बात करते हैं, परसिस्टेंट डक्टस आर्टेरियोसिस को हम कैसे बंद कर सकते हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन बाय इम्प्लांटेबल ऑक्लूसिव डिवाइस, एक डिवाइस लेंगे जो ऑक्लूशन कर देगा बिटवीन द योर आयोटा एंड द पल्मोनरी आर्टरी इन डक्टस आर्टेरियोसिस। ठीक है, क्लोजर हम इन फैंसी में करते हैं तो पल्मोनरी रेजिस्टेंस इतना नहीं होता और बच्चे को एंड में क्या होगा कि हाइपरटेंशन की दिक्कत नहीं आएगी, तो अर्ली करना चाहिए, जो भी क्लोजर होना चाहिए अर्ली होना चाहिए, पर हम इसको डिले कर सकते हैं अगर शंट बहुत ही छोटा है, मतलब छोटा सा ही ब्लड लीक हो रहा है। ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड करता है फिजिशियन पे, क्योंकि जो भी हम करेंगे उसका एक रिस्क होता है कि उसका एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, तो जब बेनिफिट्स आउटवेट्स द रिस्क तभी हम इम्प्लांटेबल ऑक्लूडर लगाएंगे। ठीक है, डक्टर स्ट्रक्चरली इंटैक्ट रहेगी तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स दे सकते हैं ताकि वो क्लोज कर दे ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, पर अगर कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को ग्रेट डिस्पोजिशन ऑफ ग्रेट ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज है, तो हम चाहते हैं कि लेफ्ट ये जो शंट है ये ओपन रहे, वरना क्या होगा कि आयोटा से ब्लड बॉडी आयोटा से ब्लड लंग्स में जाएगा फिर वापस वहीं आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी पूरा वैसे जाएगा वापस वहीं आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि कभी कभार अगर कोई और डिफेक्ट प्रेजेंट होता है आइसोमैग्नस सिंड्रोम के साथ साथ कोई और डिफेक्ट प्रेजेंट होता है हमारे पेरिटोनियल डक्टस आर्टेरियोसिस के साथ साथ, तो दैट कैन ऑल्सो कॉज दिस प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे कि थोड़ी देर के लिए जब तक काम चल रहा है हम डक्टस को ओपन रखेंगे गिविंग प्रोस्टाग्लैंडिन, और जब वो काम हो जाएगा, मतलब कि जब हम उसकी सर्जरी मेनली कर लेंगे, तो वी कैन सफाइस इट। फिर कोआर्टेशन और आयोटा की बात करते हैं, इट इज़ एसोसिएटेड विद अदर अबनॉर्मलिटीज जैसे कि बाइकस्पिड आयोटिक वॉल, जनरली ट्राइकस्पिड होता है पर बाइकस्पिड, एंड बेरी एन्योरिज्म और द सेरेब्रल ऑक्लूजन सर्कुलेशन। पैथोजेनेसिस की बात करते हैं, नैरिंग ऑफ आयोटा अकर्स इन द रीजन जहाँ पे डक्टस आर्टेरियोसिस जॉइन द आयोटा एंड द इस्थमस जस्ट बिलो द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, तो यू कैन रिकॉग्नाइज कि ये कहाँ की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है हमारे इसकी,
ठीक है, तो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी ये हो गई, और आप देख सकते हैं कि ये इन्वॉल्यूशन ऑफ इस्थमस है ना, यही होता है हमारा कोआर्टेशन ऑफ एओर्टा। ठीक है, तो आपने देख लिया कि जितने भी आर्टरीज हैं जो अपर लिम में जा रही हैं वो तो ओपन है, पर जब वो डिसेंडिंग एओर्टा में आ रहा है तब वो क्लोज हो गया है, मतलब कि वहाँ पे स्टेनोसिस हो गई है, नैरोइंग हो गई है। ठीक है, दिस कॉजेज बीपी हाई बीपी इन हेड एंड नेक एरिया, ठीक है, एंड रिड्यूस बीपी इन द लेग्स और लिम्स और डिस्टली। ठीक है, सिम्टम्स ऑफन एब्सेंट होते हैं। अब क्या होगा, क्योंकि अपर पार्ट ऑफ बॉडी में ज़्यादा बीपी है, ब्लड प्रेशर है, तो वहाँ पे हेडेक होगा, और लेग्स में कम बीपी है तो वहाँ पे वीकनेस और क्रैम्स होंगे। ठीक है, बीपी रेज होगा अपर बॉडी में और नॉर्मल और लोअर होगा लेग्स में, तो इसमें रेडियो फिमोरल डिले मिलता है। ठीक है, तो फिमोरल पल्सेस आर वीक एंड डिलेड इन कंपैरिजन टू द रेडियल पल्स एज अ रिजल्ट ऑफ एओर्टिक नैरोइंग कोलैटरल्स में फॉर्म। ठीक है, तो इसमें इंटरनल मेमोरी आर्टरी इंटरकोस्टल आर्टरीज हैं वो कोलैटरल्स बन जाएंगे और दे विल इम्प्रूव द हाइपरट्रोफी, दिस कैन कॉज लोकलाइज्ड ब्यूट्स। अब हम आते हैं इन्वेस्टिगेशन में, तो MRI इज चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे भी करा सकते हैं। ठीक है, एक्सरे नॉर्मल होगा अर्ली कंडीशंस में, बट जब चेंजेस लेटर आएंगे तो जो आयोटा है उसको कॉन्टोर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दिस विल जो है इंडेंटेशन ऑफ द डिसेंडिंग आयोटा, उसको 3 साइन भी कहते हैं। अब हमने कहा था कोलैटरल्स होंगे इंटरकोस्टल आर्टरीज के, तो वो रिब्स को नॉच कर जाएंगे। ठीक है, जब वो साइज में इंक्रीज होंगे, ये आप देख सकते हैं जहाँ पे छोटा एरो है, दिस इज योर कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा, एंड यू कैन सी इफ द सी पार्टीज आर ऑल द कोलैटरल्स दैट आर अराइजिंग फ्रॉम द एओर्टा। ठीक है, देन मैनेजमेंट की बात करते हैं, सर्जिकल करेक्शन इज एडवाइज इन ऑल बट माइल्डेस्ट, अगर माइल्ड केस है तो रहन देंगे। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में करना है ताकि आगे हम हाइपरटेंशन को अवॉइड कर सके। पेशेंट रिक्वायर्ड इन लेट चाइल्डहुड और एडल्ट लाइफ में बिकम हाइपरटेंसिव। ठीक है, एंड रिकरेंस हो सकता है बच्चों में, इसलिए हम बलून डायलेशन भी यूज़ कर सकते हैं विद स्टेंटिंग मेनी टाइम्स अगर रिकरेंस हो रहा है। एट्रल सेप्टल डिफेक्ट की बात करते हैं, तो मोस्टली इट इज रिलेटेड टू ऑस्टियम सेकेंडम दैट इज इन्वॉल्व इन फोर्स वैलस। ऑस्टियम प्राइमम भी अफेक्ट हो सकता है, एंड दैट कैन लीड टू एंड बी एसोसिएटेड विद क्लेफ्ट माइट्रल वॉल। पैथोजेनेसिस की बात करते हैं, तो शंटिंग कहाँ से होगी, लेफ्ट टू राइट एट्रियम में, लेफ्ट में ज़्यादा प्रेशर है। ठीक है, फिर लेफ्ट टू राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से फिर वापस आ गया हार्ट में। ठीक है, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा। ठीक है, शंट रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, अगर क्या हो रहा था पहले, तो अभी हमने देखा कि लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में जा रहा है क्योंकि प्रेशर डिफरेंस है। अब क्या होगा कि धीरे धीरे राइट एट्रियम में जैसे जैसे प्रेशर बढ़ने लगेगा, वैसे वैसे वी कैन अगेन गेट आर आइसोमेगन सिंड्रोम, यानी कि लेफ्ट टू राइट शंटिंग हो जाएगी। ठीक, मतलब कि राइट टू लेफ्ट शंटिंग हो जाएगी, तो शंट रिवर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, या फिर अदर टाइप ऑफ लेफ्ट टू राइट शंट में कन्वर्ट हो सकता है। ये भी एसिम्प्टोमेटिक है फॉर मेनी ईयर्स। डिस्पनिया है, चेस्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं ऐसे बच्चे को। ठीक है, कार्डियक फेलियर हो सकते हैं, अरिथमियाज स्पेशली और एट्रल फ्लटर। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो सेकेंड हार्ट साउंड है वो स्प्लिट हो जाती है, फिक्स्ड और वाइड स्प्लिटिंग होती है उसकी। क्यों? क्योंकि राइट वेंट्रिकल डिले हो जाएगा, क्योंकि उसको ज़्यादा ब्लड मिल रहा है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा ब्लड को पंप करने में। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, एंड राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक की वजह से भी ये होगा। ठीक है, एंड सेप्टल डिफेक्ट इक्वलाइजेस राइट एंड लेफ्ट एट्रियम प्रेशर थ्रू आउट द रेस्पिरेटरी साइकिल। पहले क्या होता है कि लेफ्ट एट्रियम में ज़्यादा प्रेशर होता है इन कंपैरिजन टू राइट एट्रियम। ठीक है, पर इसमें क्या होगा कि दोनों तरफ, क्योंकि एट्रियल्स डिफेक्ट है तो दोनों तरफ वॉल्यूम जो प्रेशर है वो इक्वलाइज हो जाएगा। ठीक है, एक सिस्टोलिक मोमेंट सुनाई देगा पल्मोनरी वॉल में। जिन बच्चों के पास ज़्यादा लार्ज शंट होता है, ठीक है, उनमें डायस्टोलिक फ्लो मर्मर भी होता है। पहले सिस्टोलिक हो रहा था, अब इतना ज़्यादा सीवियर हो गया डायस्टोलिक फ्लो भी सुनाई दे रहा है। ठीक है, विथ ट्राइकस्पिड वॉल इकोकार्डियोग्राफी करेंगे, डायग्नोस्टिक है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम करेंगे लोकेशन एंड साइज ढूंढने के लिए ऑफ द डिफेक्ट। एक्सरे करा सकते हैं हार्ट का, पल्मोनरी आर्टरी, और उसमें में पल्मोनरी प्लेथोरा मिलता है, एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट मिलती है। दिस इज योर ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम। और जो आप ये फ्लो देख पा रहे हैं, दिस इज फ्रॉम योर कहाँ से है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट वेंट्रिकल में ये आपका फ्लो जा रहा है। मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो
क्या होगा, एटल सेप्टल डिफेक्ट इन विच पल्मोनरी फ्लो 50% से ज़्यादा इंक्रीज हो गया है आर इनफ क्लिनिकली रिकॉग्नाइजेबल। क्या होता है कि हमने पढ़ा ना एसिम्प्टोमेटिक है, पर अगर 50% तक आ गया है पल्मोनरी फ्लो में ब्लड तो फिर ये रिकॉग्नाइजेबल है, उसको सर्जरी से करना पड़ेगा। अगर शॉर्ट स्मॉलर डिफेक्ट्स है तो वो कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी के थ्रू पेशेंट को मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, ये है सीवियर पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड शंट रिवर्सल्स आर बोथ कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू सर्जरी। अगर बहुत ही ज़्यादा पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया देन यू हैव टू चेंज इट, यू हैव टू चेंज द हार्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की करते हैं मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल कार्डियक डिफेक्ट एमसीक्यू पॉइंट। पैथोजेनेसिस की बात करते हैं तो इट अकर्स एज रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट सेप्टेशन ऑफ द वेंट्रिकुलर। अब एम्ब्रियोलॉजी में आते हैं, जो वेंट्रिकल सेप्टम है उसमें तीन चीज़ें होती हैं, मेम्ब्रेनस मस्कुलर एंड योर बल्बस कॉर्डल का सेप्टम, स्पायरल सेप्टम। ठीक है, तो क्या होता है कि जो मेम्ब्रेनस पार्ट है वो किसके बीच में होता है, मस्कुलर नीचे से एंड ऊपर में योर स्पायरल सेप्टम। तो बहुत बार क्या हो सकता है कि जो मेम्ब्रेनस है ये एब्सेंट है, एब्सेंट इन द सेंस कि इसमें डिफेक्ट है। ठीक है, सो आप यहाँ देख सकते हैं इट इज रिटन मोस्ट कॉमनली कंजेनाइटल इफेक्ट होता है पेरी मेम्ब्रेनस में, जो ये मेम्ब्रेनस है जो बीच में है वो गायब हो जाता है। ठीक है, फिर क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल टू लो प्रेशर राइट वेंट्रिकल ड्यूरिंग सिस्टोली प्रोड्यूसिंग अ पैन सिस्टोलिक मर्मर। ठीक है, जितना बड़ा डिफेक्ट होगा उतना इजीली ब्लड जा पाएगा और उतने सॉफ्ट मर्मर सुनाई देंगे हमको, आप ये टेस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट में आते हैं। ठीक है, जो स्मॉल वेंट्रिकल डिफेक्ट्स हैं उनको ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट की खास जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर कार्डियक फेलियर हो रहा है इन्फेंसी में तब हम डिडॉक्सिन एंड डायोरेटिक्स ले सकते हैं, और अगर परसिस्टेंट है तो सर्जिकल रिपेयर करना पड़ेगा डिफेक्ट का। ठीक है, अब सीरीज और इफ सीरियल ईसीजी एंड इकोकार्डियोग्राफी सजेस्ट है पल्मोनरी हाइपरटेंशन इज डेवलपिंग, अभी हुई नहीं है डेवलप कर दी है, सर्जिकल रिपेयर कर दो। ठीक है, एंड इट इज अगेन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड आइसन मेंगर डिजीज, जो हमने पढ़ा था ना कि राइट जो हमारा एट्रियम होता है उसमें भी नहीं करते, उसमें भी यू हैव दिस वेंट्रिकल में भी सेम है, यू डू नॉट डू इट इन केस ऑफ आइसन मेंगर डिजीज, जब बहुत ज़्यादा ब्लड हो जाता है और अब ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है। ठीक है, तो लंग ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली इफेक्टिव चॉइस इन दिस आइसन मेंगर सिंड्रोम। लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस इज जनरली वेरी गुड, एक्सेप्शन है आइसन मेंगर सिंड्रोम क्योंकि उसमें जल्दी डेथ हो जाती है। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट होता है, इसमें चार चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स डिफेक्ट है दैट लीड्स टू फर्स्ट राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, सेकेंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, थर्ड लार्ज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड ओवर राइडिंग ऑफ आयोटा। तो इसमें जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल है वो डायरेक्टली आयोटा में पंप कर रहे हैं। तो नाउ यू कैन सी, देखो पहला तो क्या है कि आपने देखा राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम एब्सेंट है, तो दिस इज सेप्टल वेंट्रिकुलर डिफेक्ट। अब क्या होगा, जब राइट वेंट्रिकल पंप करेगा ना ब्लड, ठीक है, तो अब ब्लड जो है आयोटा में जा रहा है रादर देन गोइंग टू द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और आप देख सकते हैं जो सेप्टम है ना, सेप्टम अलग हो रखा है, इस वजह से पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया और इस वजह से अब ब्लड आयोटा में जा रहा है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में तो कम प्रेशर होता है, आयोटा में ज़्यादा प्रेशर होता है, तो जाना इसको पल्मोनरी आर्टरी में चाहिए था पर वो नहीं जा पा रहे क्योंकि वहाँ स्टेनोसिस है। अभी आयोटा में जा रहा है तो ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा हो गई। ठीक है, अब देखो राइट वेंट्रिकल बहुत कोशिश कर रहा है कि लंग्स तक जाए पर लंग्स तक नहीं जा रहा, तो इस वजह से उसका काम बढ़ गया है, इट लीड्स टू राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, उसको पंप करना पड़ रहा है आयोटा में ज़्यादा प्रेशर है, सो इट हैज़ टू पंप आफ्टर अ मेरी बहुत ही ज़्यादा आफ्टर लोड इन कंपैरिजन। ठीक है, देन ये हो गया, देन वी हैव पैथोजेनेसिस। अब इसमें क्या होता है कि बल्बर सेप्टम होता है ना, स्पायरल सेप्टम बल्बर सेप्टम एक ही बात है, तो अब नॉर्मल डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो बल्बर सेप्टम जनरली क्या करता है, असेंडिंग आयोटा को और पल्मोनरी आर्टरी को अलग अलग कर देता है। ठीक है, अगर ये क्या ये फ्यूज कर जाता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से। ठीक है, तो इन चारों के कॉम्बिनेशन से क्या होगा, एलिवेटेड राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर एंड राइट टू लेफ्ट शंटिंग ऑफ साइनोटिक ब्लड अक्रॉस द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इनटू आयोटा। फिर हम आते हैं क्लिनिकल फीचर्स में। ठीक है, तो साइनोस्ट होगा बच्चा। ठीक है, इट इज ओनली व्हेन राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर राइजेज और इक्वल्स टू द लेफ्ट वेंट्रिकल दैट देयर इज अ लार्ज राइट टू शंट डेवलप्स। ठीक है, अब जो अफेक्टेड चाइल्ड होगा ये इंपॉर्टेंट है, क्या होगा वो इजीली साइनोस्ड होगा आफ्टर ईटिंग क्राइंग और एनी अटैक
एंड बिकम एथनिक एंड अनकॉन्शियस. ठीक है, इसको फैलिक स्पेल्स बोलते हैं. दिस इज इम्पॉर्टेंट. सम चिल्ड्रेन क्या होते हैं, दे गेट रिलीव बाय स्क्वाटिंग आफ्टर एक्सर्शन. ठीक है, वो ऐसे नीचे बैठ जाएंगे एंड इससे क्या होगा, आफ्टर लोड इंक्रीज, दिस इंक्रीजेज आफ्टर लोड ऑफ द लेफ्ट हार्ट एंड रिड्यूसेज राइट टू लेफ्ट शंटिंग. ठीक है, लेफ्ट हार्ट ज़्यादा पंप करेगा तो राइट हार्ट जो राइट वेंट्रिकल उतना इतने ज़्यादा प्रेशर में नहीं कर पाएगा पंप. दिस इज कॉल्ड एज पैलेट साइन. ठीक है, साइनोसिस मे बी एब्सेंट इन न्यूबॉर्न और पेशेंट जिनको माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इस डिजीज को हम ए साइनोटिक टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट कहते हैं क्योंकि इसमें साइनोसिस इज ऑलवेज प्रेजेंट. तो अगर नहीं है दैट इज ए साइनोटिक टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट. इन्वेस्टिगेशन में इकोकार्डियोग्राफी करेंगे, हमें क्या मिलेगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलेंगे एंड बूट शेप्ड हार्ट इज एन इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग. मैनेजमेंट में बात करते हैं, द डेफिनेटिव मैनेजमेंट इज टोटल करेक्शन ऑफ द डिफेक्ट बाय सर्जरी. पल्मोनरी स्टेनोसिस हटाना और जब सेप्टम को बंद कर देना, इसी वजह से तो रहता है, यही दो मेन कॉजेज थे कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा हो रहा था. ठीक है, देन प्रोग्नोसिस आफ्टर टोटल करेक्शन इज गुड, स्पेशली अगर चाइल्डहुड में ही हमने परफॉर्म कर दिया है. ठीक है, फिर ये दो तीन हमारे कुछ टर्म्स से ट्राइकस्पिड और ट्रेजिया हो सकता है. तो उसमें क्या होगा, जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होगा उसमें छेद नहीं होगा, मतलब कि वो पूरी तरह से बंद होगा, ऑक्लूडेड होगा, तो राइट वेंट्रिकल कैन नॉट बी पंप, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में ब्लड पंप नहीं कर पाएगा. इस वजह से जो हमारा राइट वेंट्रिकल है दैट विल बी हाइपोप्लास्टिक. सर्जिकल करेक्शन है, ट्रांसपोजिशन ऑफ राइट वेंट्रिकल हम कर चुके हैं कि राइट वेंट्रिकल से आयोटा निकलेगी, पूरी बॉडी में जाएगी, फिर राइट वेंट्रिकल में आ जाएगी. ठीक है, लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी मिलेगी, लंग्स में जाएगी, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगी. ठीक है, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इस लेफ्ट सर्कुलेशन में बॉडी में नहीं पहुंच रहा, और जो राइट सर्कुलेशन है वो इन वो है डीऑक्सीजनेटेड है. ठीक है, और वो पूरी पूरी बॉडी में घूम रहा है. इस कंडीशन में हमेशा चाहते हैं कि जो शंट है जैसे डक्टस आर्टेरियस वो ओपन रहे, ताकि कुछ तो मिक्सिंग हो, चाहे राइट से लेफ्ट में जाए, लेफ्ट से राइट में, मतलब कुछ तो मिक्सिंग हो. ठीक है, देन ये पल्मोनरी एट्रेजिया हो सकता है, इसमें पल्मोनरी आर्टरी हाइपोप्लास्टिक होगी. ईस्टिन से अनॉर्मली इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, ये हमारे लीथियम में होता है, इसमें क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल का साइज राइट एट्रियम जैसा हो जाता है और राइट एट्रियम का साइज राइट वेंट्रिकल का हो जाता है. ठीक है, तो जो साइज की बात है ना वो डिफर हो गई, मतलब एक्सचेंज हो गई है, तो राइट वेंट्रिकल इज एट्रियलाइज्ड, मतलब उसका साइज छोटा हो गया. इसमें और क्या कह सकते हैं, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन हो सकती है, राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम शंटिंग हो सकती है एंड इट कैन कॉज वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ सीवियर अरिथमियास. थैंक यू.